ये कानून में है कि किसी सदन में जो है पुलिस को हथियारों के साथ में बुलाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बुलाया सकता, ये बिल्कुल गलत आप है। इसके लिए क्या करेंगे? सदन की गलत है और हम इसके बारे में कमिश्नर आप पुलिस से भी मिलेंगे कि भाई पुलिस किस तरीके से पुलिस वहां पर आई, क्योंकि पुलिस को अगर बुलाया गया वो भी गलत है। ये पुलिस का काम तो ये है कि हाउस के अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई अगर सामूहिक मारपीट हो गई कुछ हो गई तो बुलाइए, और अगर पुलिस को तो अंदर आना ही नहीं चाहिए पहली बात तो ये है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को उल्टा धमकाया गया, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस था एसएचओ थे इस एरिया के, उनको कहा मेयर ने कि हम आपको देख लेंगे। जब मनोज तिवारी ने अभी कुछ दिन पहले जब हमारा सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ तब उन्होंने डीसीपी को धमकाया इस तरीके से, आज वो इनको धमका रहे हैं पुलिस वालों को, तो मैं क्या समझूंगा जाके ये कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप किसी को भी धमकाते रहेंगे आप जाके, और बिल्कुल गलत है ये। और हमारे जो लोग हैं हमको ये सुनने में आया हम लोग खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, हमारी रेखा तैगी के हाथ में चोट लगी, साजिद को पीटा गया और हमारे निगम पार्षदों को पीटा गया, मोहरिया इसका रोहित को पीटा गया, हमारी ये बैठी है उसको कहा गया, उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो हमने भी FIR दर्ज कराई है। और हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मांगे सारे साथियों की कि मेयर और जो उनके लोग हैं रोमेश गुप्ता हैं उनके खिलाफ, संदीप कपूर के खिलाफ, रोमेश गुप्ता के खिलाफ और कौन था राजीव के खिलाफ, इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। एक बात और, मेयर का तो ये भी कहना है कि उस दिन जो भी पुलिस वहां पर मौजूद थी वो दिल्ली सरकार यानी कि आपके इशारे पर काम कर रही थी उस सदन में, ये तो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ये भी इतिहास का पहला दूसरा अध्याय है कि केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। पुलिस किसकी है? भाजपा की। मेयर किसके खिलाफ बैठा है? अपनी सरकार के खिलाफ बैठेगा। मेयर से ज्यादा तो बेवकूफ आदमी को दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। और एक और मेयर ने एक बात कही कि भाई अगर हमारे 44 पार्षद थे सदन के अंदर, अगर हम नहीं होते तो वहां हम चाहते तो वहां खून खराबा हो जाता, कतलेआम हो जाता, लाशें बिक जाती। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेयर साहब आप धमकी दे किसको रहे हो? ये धमकी किसको थी? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को थी, इस देश के लोकतंत्र को थी, या आम आदमी पार्टी के पार्षदों को थी? आपने जिस प्रकार की धमकी दी है यानी कि इससे क्लियर होता है कि आपने जो भी सदन में उस दिन किया आप लोग प्री प्लान थे, आपने पूरी प्लानिंग के साथ किया। मुझे लगता है कि शायद आपके पास हथियार भी हो सकते हैं कि आपने ये जो धमकी दी है कि लाशें बिक जाती तो आप पूरी प्लानिंग से थे, वो तो मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया के बंदों को जो वहां कैमरे ले खड़े थे, वरना पता नहीं कितने लोगों के वहां कत्ल कर देते भाजपा वाले, इनकी तो मानसिकता यही है, पता नहीं कितने गुंडों को लेके आ जाते हैं वहां पर। अब ये बताइए जो 12 तारीख का हाउस है उसके लिए क्या स्टेप उठाने वाले हैं आप? देखिए हमने दिल्ली की जनता की आवाज उठानी है, अगर ये सदन में हमें नहीं घुसने देंगे तो हम सदन के बाहर बैठ के उठाएंगे, हम कहीं भी बैठ के उठाएंगे, हमें दिल्ली की जनता की आवाज उठानी है और वो हम उठाते रहेंगे, हम सड़क पे उठाएंगे और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और सदन में अगर विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की ईंट से ईंट बजा देगी सारे पास से मिलके। कुलदीप जी आपको क्या लगता है कि जो भाजपा है एक ऐसी मानसिकता से है कि एक वंचित क्लास से लोग आकर के विपक्ष में बैठ गए हैं, उसके लिए बार बार ये चीजें कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये बात सच है कि जब से मतलब इनको लगा है कि यार ये वंचित समाज से लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग आके यहाँ बैठ गए, जब से इनकी मानसिकता पता नहीं वो आरएसएस संघी वाली जो मानसिकता है ना, जो ये पूरी आरएसएस की मानसिकता को लॉबी को बिलोंग करते हैं, जो नागपुर में बैठे हुए जो उनके बुद्धिजीवी वर्ग जो इनका बैठा हुआ है भाजपाइयों का, वो जो प्लानिंग करता है ये उस प्लानिंग को थोपना चाहते हैं। इनकी मानसिकता इस देश के दलित पिछड़ों को पीछे करने की, इस देश के मुसलमानों को पीछे करने की, तो ये उस मानसिकता को थोपना चाहते हैं। और इनको मैंने बता दिया कि 2019 में दिल्ली की जनता इनको देख रही है ये किस प्रकार से हम यहाँ विपक्ष में बैठे हुए को, मतलब मुझे तो खासतौर पर हम लोगों को किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह हम पे जातिगत टिप्पणी, धर्मवाद के नाम पर टिप्पणी, जातिगत महिलाओं का टिप्पणी जिस तरह कर रहे हैं, तो आज दिल्ली के लोग इनको देख रहे हैं और 2019 से भाजपा का सूबड़ा साफ होने वाला है। अच्छा ये लोग तो LG के पास जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप लोग कहां तक जाने वाले हैं? हम तो जनता से चुन के आए, जनता के बीच में जाएंगे, हमें जनता ने यह चुन के भेजा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाके बात रखेंगे, जनता के सामने भाजपा के घोटालों को खोलने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक बार जितने भी घोटाले इनके हुए हैं, चाहे ये स्लॉटर हाउस के मामले को दबाना चाहते हूं, मैं आपको एक खबर और बता दूं कि ये चाहते हैं कि 12 तारीख के बजट में स्लॉटर हाउस का मामले को किस तरह करके बजट उस पर चर्चा ना हो जाए, क्योंकि उसको रिन्यूअल के लिए दोबारा डाला जा रहा है, उसमें एक ही कंपनी का पार्टिसिपेट बार बार दिखाया जाता है, 5 बार कमिश्नर के पास फाइल भेजी जा चुकी है उस मामले के अंदर और ये बार बार उसके बाद भेजते हैं, तो इन्हें हम ये मुद्दे दबने नहीं देंगे सर, चाहे सदन में बैठने दो या नहीं बैठने दो, हम दिल्ली की जनता को आपके सारे काले कारनामे घोटाले दिखाएंगे, भाजपा दिल्ली की जनता के चेहरे पर देख रही है।
क्योंकि सदन में दो बार सर आपसे हाथापाई कर चुके हैं बीजेपी के निगम पार्षद, तो ये माना जाए कि उनको नेता विपक्ष जो दलित समाज का वो हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल, इनको रबर स्टैंप नहीं मिल पा रही है, सोच रहे हैं कि ये लोग कहां से आके बैठ गए कुर्सियों पे। आम आदमी पार्टी ने देखो ना तो सम्मान किसी ने दिया दलित समाज के लोगों को, आम आदमी पार्टी ने सम्मान दिया तो इनसे पच नहीं रहा है, इनको इनको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, इनके एक्शन नहीं समझ में आ रहे, तो ये हर बार इनकी जातिगत भावना से मानसिकता से इनकी टिप्पणी। ये बताइए ये जो हाउस में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं पहली बार हुआ, इससे पहले भी हुआ, शुरुआत कहां से हुई इस तरीके से हाउस चलाने की? क्योंकि पिछली बार चप्पलबाजी हुई, जूते पड़े, चप्पल पड़े, यहां तक कि वल्गर लैंग्वेज जैसे कि आरोप लग रहे थे कि शुरुआत हुई, तो ऐसे में तब भी आप पर भी आरोप लग रहे थे, आप बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन इस बार भी इस तरीके का कुछ माहौल बन गया कि हाथापाई की नौबत आ गई, शुरुआत किसने की? मैंने कहा ना कि शुरुआत किसी की नहीं है, शुरुआत मानसिकता की है, जैसी आदमी की मानसिकता होगी वैसे काम करेगा, उनकी मानसिकता हमारे विरोध की है वो विरोध करते हैं, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आज पक्ष बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो उन लोगों को काम करना चाहिए वो आज हम लोग कर रहे हैं, उनके घोटालों को हम खोल के रखते हैं सामने, उनको लगता है कि उनको भगाओ हाउस से, एक्चुअल में उनका मेन फोकस ये है कि उनके एजेंडे पास हो जाए, उनके कमीशन के एजेंडे पास हो जाए, उनको कमीशन मिल जाए, कमीशन रुक गई बेचारों की, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है इनके कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का काउंसलर के घोटाले खोलता रहता है, ये उससे परेशान हो गए, ये बौखला गए, ये सोच के आए थे कि निगम पार्षद बनेंगे, बड़े बड़े मकान बना लेंगे पांच साल में, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, आज ये कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं बेचारे, घर के ना घाट के ना कुछ नहीं मिल पा रहा है, ये कहीं छोटे मोटे चुरा भी लेते धुआं भी इनकी पोल खुल जाती है, तो ये आज ये चोरी की उस पे लग रहे हैं, तो आज इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता का। आपने कहा कि पार्षदों को कुछ फंड देने की बात की गई थी, उसका ऑर्डर भी निकाल दिया था, दिल्ली सरकार से कितना फंड एमसीडी को मिला था जिसमें से इस फंड को पार्षदों को डाइवर्ट किया जा रहा है? 670 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से फंड इनको दिया है, पहले भी 330 करोड़ हमने दिया है, अभी फोर फाइनेंस का इनको पैसा दिया गया, ये हमेशा रोनर होते हैं। अब आप देखिए ना किस तरह फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब फंड को भेजा कहां जा रहा है, जिन लोगों के लिए जिनको कहते हैं जी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको ये हो रहा है, तो उन मुद्दों को आप उनको पैसा क्यों नहीं देते हो, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। आज विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, 12 साल में आपने एमसीडी के कर्मचारी का शोषण किया है, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठ के उनका शोषण नहीं होने देगी, उनको उनके हक और अधिकार को दिला के रहेगी। कुलदीप जी, आपकी और भाजपा की लड़ाई में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल भाजपा की जिम्मेदारी, सत्ता में बैठे हुए वो लोग संविधान, उनको तो वो उनको चिड़ संविधान से तो है ही, उनको संविधान बनाने वाले लोगों से चिड़ है, वो तो संविधान को छोड़ो, संविधान की प्रतियां जलवा रहे हैं, वो बाबा साहब की मूर्तें तोड़वा रहे हैं, जिन लोगों ने संविधान को बनाया वो उनसे उनकी मानसिकता उनके विरोध में, तो मैं तो फिर भी छोटा लीडर ऑपोजिशन हूं, मेरी क्या वो है, वो तो उनके विरोध में खड़े हुए हैं, वो तो आज पूरे दलितों के मुस्लिमों के विरोध में खड़े हुए हैं, तो उनकी मानसिकता क्या कंपेयर करेंगे आप, उनकी मानसिकता पूरे देश को पता है। पाकिस्तान चले जाओ, ये बात तो भाजपा के लोग कर रहे हैं।